सो है गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक गम में। तो गाइस, इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, जैसे कि मेरा टॉपिक दूसरा है, तो अभी मेरे को लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे टिकटॉकर इस तरीके से वीडियो बना डालते हैं, तो मैं इसके ऊपर आज वीडियो बनाया। तो वीडियो का एंड तक देखो और मेरी वीडियो पसंद आने के बाद लाइक कर दो। तो गाइस, मैं आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, जैसे कि आप लॉकडाउन के ऊपर वीडियो बनाते और क्लिप रख के छोड़ देते, जैसे कि पुलिस वाला किसी को मार दे और वो क्लिप छोड़ देते टिकटॉक पे या तो यूट्यूब पे रख देते, अपलोड कर देते। उसका बैड इफेक्ट और भी मैं बताता हूँ कि अपने चैनल पे ऊपर क्या बैड इफेक्ट आता है, जैसे कि अपने चैनल मोनेटाइज हुआ या तो फिर नहीं हुआ, या तो अपने चैनल पे ऐड आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बैड इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि गाइस, छोटी छोटी वीडियो लेके अपन टिकटॉक से लेके या तो फिर कोई भी सोशल अकाउंट से लेके कॉपी करके अपन यूट्यूब पे पेस्ट कर देते हैं और गाइस वो वीडियो रख देते हैं, तो अपन के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है और गाइस मोनेटाइज भी अपन का चालू रहेगा या तो फिर नहीं हुआ है चालू, तो उसको भी अपन को चालू होने में बहुत रिस्क रहता है। जैसे कि अपन का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है तो ऑन होने में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और गाइस, ऐसी वीडियो अपन दूसरे की उठा के और टिकटॉक पे रख दी, तो टिकटॉक पे रख दी तो गाइस वो वीडियो चलेगी तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, तो टिकटॉक ज़्यादा वायरल हो जाएगा तो वीडियो टिकटॉक अपने आप वो वीडियो को बंद कर देगा, डिलीट कर देगा, तो अपन का क्या फ़ायदा। और गाइस, अपने टिकटॉक अकाउंट पे बैड इफेक्ट आ सकता है, जैसे कि दूसरा वीडियो डालेगा तो भी वायरल नहीं होएगा और अपने चैनल का वाट लग जाएगा पूरा टिकटॉक अकाउंट। सही से काम करना रहेगा तो अपनी खुद की वीडियो डालो और कौन सा भी कंटेंट ला के अपना डाल दो तो चलेगा गाइस। और अपन को थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और शेयर कर दो और मेरी